नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का ट्रिपल मर्डर केस जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। इस मर्डर केस को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए परिवार को आश्वस्त किया कि जल्द से इस मामले का निवारण होगा और अपराधियों को भी पकड़ा जाएगा। वहीं डीजीपी को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस मर्डर केस से पर्दाफाश करे और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। पीड़ित परिवार ने आज डीजीपी कार्यालय में पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलता है तो वही पीड़ित परिवार ने कहा, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे परिवार के साथ धरने पे बैठेंगे। वही विद्यांचल विधायक रत्नेश मिश्रा ने दिया सनसनीखेज बयान। आई नजर डालते हमारे चैनल हट की इस विशेष खबर पर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध खुली चुनौती बन गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम सच की तह तक। आज हम लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय पर, जहां पर एक बैठक अहम चल रही है मिर्जापुर तिहरे हत्याकांड की, जहां पर पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई कि किस तरीके से हत्यारों का पर्दाफाश करेगी मिर्जापुर पुलिस। लेकिन किसी भी तरीके से अन्य मुख्य बिंदुओं पर जांच न होने के कारण हताश परिवार ने लगाई धरना देने की दरख्वास्त, जहां पर पीड़ित परिवार पहुंचा आज डीजीपी हितेश चंद अवस्थी के पास। और आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके की आज की बैठक में अहम फैसले लिए गए। मिर्जापुर के तिहरे हत्याकांड में क्या चीजों का यह निर्णय लिया गया और किस तरीके की मांग हुई थी, बताइए अपने परिचय। मैं राष्ट्रीय विप्रेक्ता मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी हूं। हमने राष्ट्रीय विप्रेक्ता मंच की ओर से आह्वान किया था 25 फरवरी को विधानसभा के सामने धरना देने का, लेकिन उससे पूर्व भी माननीय विधायक श्री रत्नाकर मिश्रा जी ने हमें खुद से पहल करते हुए और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमसे बात की और हमको कल ही लखनऊ बुलाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और बाकी अधिकारियों से जो बात कर सकते थे सभी से की। और जो पीड़ित परिवार की मांगें थी, चाहे वो नौकरी की हो चाहे न्याय की हो, जो भी थी, वो सब मांगों पर इन्होंने अधिकारियों से वार्ता की और कोशिश की कि किस तरीके से कितने समय में वो मांगे पूरी हो सकती हैं। और इनके प्रयासों से इसी क्रम में आज डीजीपी साहब से भी पीड़ित परिवार की और हमारी इन्होंने बात कराई और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि पुलिस और सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। और इस आश्वासन से हम संतुष्ट हैं और हम इस कार्यक्रम को, क्योंकि अब हमें ये लगता है कि माननीय विधायक जी की पहल के बाद कि हाँ, सरकार और माननीय विधायक जी इस परिवार को न्याय दिला देंगे और मिल जाएगा, प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं। इसीलिए सभी बंधुओं से अनुरोध करते हुए कल का विधानसभा के सामने धरना हम स्थगित करते हैं। इस समय हमारे साथ में हैं रत्नाकर मिश्रा विधायक विद्यांचल, जिनसे बात करेंगे कि इस तिहरे हत्याकांड में क्या चीजें विशेष तौर पर आज के बैठक में। इसको जो तिहरे हत्याकांड था, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम वहाँ पहले जाकर फोन से इनके मुन्ना लाल जी से मैंने स्वतः रात में वार्ता भी कराया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरह से आश्वासन दिया था कि हम इसको करेंगे। और आप जानते हैं कि ये डीजीपी कभी भी किसी भी हत्या में तीन बार घटना स्थल पर नहीं जाते, लेकिन तीन बार गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाकर हम मुलाकात भी आप लोगों से कराया था और आपके खाते में पैसा भी दिए थे, लाइसेंस भी दिए, हर तरह से मदद कर रहे हैं। जब मुझे पता चला कि लोग घेराव करने वाले हैं तो हम आपसे संपर्क किए कि जब हमारी सरकार हर तरह से मदद कर रही है तो इसका नौबत क्यों आ रहा है। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीजीपी के पास जाइए और डीजीपी ने कहा कि हम हर तरह से मदद कर रहे हैं, ये केस ऐसा है कि पता नहीं चल रहा, लेकिन आज नहीं कल इसको हम पता करके खोलने का कोशिश करेंगे। परिवार की कितनी सूत्री मांगों को लेकर आपने बात की है? सूत्री जो था, इनके खाते में पैसा चला गया था और इनका मांग है कि मुलजिम, तो मुलजिम आप समझ रहे हैं कि कोई बिना सबूत का किसी को पकड़ा नहीं जाएगा। परिवार ने सरकारी नौकरी की भी मांग की है, उसके ऊपर क्या विशेष? सरकारी नौकरी ऐसे किसी को नहीं मिल सकता। एक चीज जान लीजिए, जब कोई सरकार सर्विस में रहता है उसको दिया जाता है, ऐसे अगर हर जगह अगर हत्या होगा, हर व्यक्ति अगर नौकरी अगर मांगने लगेगा तो इसमें ये किसी भी तरह से आप भी जान रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन है कि हम हर तरह से मदद करने का कोशिश करेंगे। हाँ,
ये बताइए कि किस तरीके से जो यूपी पुलिस की मिर्जापुर में जिस तरीके से इस हत्याकांड को एक आत्महत्या बता रही थी, उसके अलग से अभी भी लीपापोती चल रही है पुलिस की, तो क्या आखिरकार योगी सरकार इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कब तक के खड़ी? हमेशा खड़ी है। इसमें लीपापोती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एडीजी स्वतः अपने हाथ में कमान संभाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लिए हुए हैं और डीजीपी साहब भी इसको बराबर वॉच कर रहे हैं, इसलिए कोई लीपापोती इसको कर ही नहीं सकता। तो आप पीड़ित परिवार को किसी भी तरीके का प्रदर्शन या अन्य चीजों की गुहार लगाने की जरूरत नहीं है? जब हमारी सरकार खुद इनका मदद हर तरह से कर रही थी, इसके लिए हम इनसे वार्ता किया कि आपको इसका कोई नौबत नहीं ले आना चाहिए, इसलिए उन्होंने मान गया, कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने देखा मिर्जापुर विधायक ने दिया बड़ा बयान कि किस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी हुई है योगी सरकार और हर संभव मदद करेगी पीड़ितों की, किसी भी तरीके से जो भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है उसको इन हाई प्रायोरिटी रख कर न्याय दिलाएगी और जो भी उनकी मांगे उनको पूरा कर हर संभव मदद पीड़ित परिवार की करेगी। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित हंगामा, टाइम्स, लखनऊ।